Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our previous video session we were reading the chapter The Curious Robot written by Jim Westergren. So it is a story of a robot that is very much curious about humans, and he asked several questions about the humans to T-59, और यहाँ पर R-62 जो है वो एक न्यू रोबोट है जिसने लाइफ में कभी ह्यूमंस को नहीं देखा. वो नहीं जानता कि किस तरीके से ह्यूमन फंक्शन करते हैं, किस तरीके के उनके बिहेवियर होते हैं, इवन वो लुक वाइज कैसे होते हैं ये भी हमने पढ़ा कि उसे नहीं पता है. सो उसे ये पता चलता है कि ह्यूमंस जो हैं वो रोबोट से बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, लेकिन किस तरीके से है कि वो ना तो ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, वो केवल ऑर्डर्स देते हैं, और वो रोबोट को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, और अगर उन्हें कोई रोबोट की बात समझ में नहीं आती तो वो उसके सर्किट्स को ब्लो अप भी कर सकते हैं. इसलिए सारे रोबोट जो हैं वो ह्यूमंस के जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करते हैं. यहाँ पर R-62 जो है वो वेरी मच इंटरेस्टेड इन लिसनिंग एंड वॉचिंग द ह्यूमन एक्टिविटीज़. और फिर जो है लास्ट में हमने पढ़ा था कि कुछ चीज़ें हैं जो कि ह्यूमंस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. कैसे? एक्चुअली ह्यूमन ऑफन हैव एक्सीडेंट एंड कैन नॉट बी रिपेयर्ड व्हेन दे गेट ब्रोकन एंड दे कैन मेक फैटल मिस्टेक्स. अपनी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो क्या होते हैं, अक्सर उनके साथ में एक्सीडेंट होते रहते हैं. और उनकी जब चीज़ें ब्रोक हो जाती है, यानी कि उनकी बॉडी का कोई पार्ट ब्रोक हो जाता है, तो वो जो है रिपेयर नहीं हो सकता. द कंस्ट्रक्शन ब्रेक आफ्टर 100 ईयर्स. 100 सालों के बाद में जो ह्यूमन का कंस्ट्रक्शन है, इट मीन्स उनकी बॉडी जो है वो फंक्शन करना बंद कर देती है. एंड दे आर ओनली ऑपरेशनल हाफ ऑफ द डे. और जिस तरीके से रोबोट पूरे दिन काम कर सकते हैं, ह्यूमन जो हैं वो केवल दिन के आधे वक्त ही काम कर सकते हैं. देयर मेमोरी बैंक्स आर ऑफ वेरी लो कैपेसिटी. उनका जो मेमोरी बैंक है, यानी कि जो याद रखने की उनकी क्षमता है, वो बहुत कम कैपेसिटी वाली होती है. एंड देयर मशीनरी हैज़ नो रियल फिजिकल फोर्स. और उनकी जो मशीनरी है, यानी कि उनकी जो बॉडी जिस तरीके से फंक्शन करती है, उसमें कोई रियल फिजिकल फोर्स नहीं है. एंड ऑल्सो नो रेडियो कम्युनिकेशन. और उनके पास में कोई ऑटोमेटिक रेडियो कनेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है. यहाँ पर समझने की बात ये है कि यहाँ पर जो कंपैरिजन है ह्यूमन का, वो रोबोट के साथ में किया जा रहा है, क्योंकि रोबोट एक्सीडेंट्स नहीं करते, क्योंकि वो मिस्टेक्स नहीं करते. देन अगर उनकी कोई चीज़ टूट जाती है तो वो रिपेयर की जा सकती है. रोबोट्स जो है उनका कंस्ट्रक्शन आप कितने सालों तक भी चला सकते हैं रिपेयर करके, देन वो पूरे दिन काम कर सकते हैं. रोबोट्स का जो मेमोरी बैंक है वो काफ़ी अच्छी कैपेसिटी वाला होता है. देन उनकी मशीन जो है वो फिजिकल फोर्स पे काम करती है, ठीक है, वो मेनली बैटरी से या अपनी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. देन उनके पास में रेडियो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक होता है. सो दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू परफॉर्म रूटीन एक्शन फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स एंड नीड टू लर्न थिंग्स. यानी कि पैदा होने के बाद में कई सालों तक उनके जो रूटीन एक्शन होते हैं वो भी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, और उन्हें उन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत पड़ती है. विच टेक ईयर्स. और उनके अपने, यहाँ पर ह्यूमन्स की बात हो रही है कि अपने रूटीन एक्शंस को सीखने के लिए भी उन्हें कई साल लग जाते हैं. एंड दस दे आर मोर देन 100 टाइम्स इन इफेक्टिव इन देयर ऑपरेशंस देन रोबोट. और इसीलिए जो है ह्यूमंस के जो ऑपरेशंस होते हैं, उनके जो फंक्शंस होते हैं, उनके जो प्रोग्राम होते हैं, उनके जो वर्क होते हैं, वो रोबोट से 100 टाइम्स इन इफेक्टिव वे में होते हैं. Then suddenly, immediately after the questions from the human were answered, R-62 said loudly, "I have some question for you, human." तो फिर अचानक से, और इससे पहले कि immediately कब, जब R-62 जो है वो अपनी बात कह चुका होता है और ह्यूमन जो है वो सारे क्वेश्चन पूछ चुका होता है, R-62 लाउडली बोलता है कि मेरे पास में कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे लिए ह्यूमन. द ह्यूमन सेड यस, अ बिट अनॉयड फॉर नॉट गेटिंग द मैंडेटरी सर.
तो वहाँ पर ह्यूमन बोलता है हाँ कहो, लेकिन वो जो है थोड़ा सा चिढ़ जाता है, इरिटेट हो जाता है, क्योंकि जो सबसे ज़रूरी सर है वो उसने R62 ने नहीं लगाया था। एवरी रोबोट इज़ कंस्ट्रक्टेड प्रोग्राम्ड एंड एग्जिस्टेड फॉर अ स्पेसिफिक बेसिक पर्पस, कि कोई भी रोबोट है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, इवन वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसके पास में एक पर्पस होता है। जैसे कि रिपेयर रोबोट है तो उसे किस लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कार्स की रिपेयरिंग के लिए। उसमें प्रोग्राम्स डाले जाते हैं कार की रिपेयरिंग से रिलेटेड, और वो एग्जिस्ट करता है जब तक कि वो अच्छे से फंक्शन करता है। तो उसके पास में एक बेसिक पर्पस है। फॉर विच पर्पज़ डू यू एग्जिस्ट, आस्क्स 62। तो फिर वो ह्यूमन को पूछता है कि तुम किस वजह से इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हो। साइलेंस फॉलोड ओनली क्वेश्चन आस्क टू द ह्यूमन इन ईयर्स एंड ही देन सेड, आई डू नॉट नीड टू आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम रोबोट्स। ही देन लेफ्ट इन हिज कार एंड वेंट अवे क्विकली। तो जैसे ही वो क्वेश्चन पूछता है तो एक तरीके का सन्नाटा जो है वो पूरी तरह फैल जाता है, क्योंकि आज तक कई सालों में ह्यूमंस से किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, और जब उससे कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसने आंसर किया कि मुझे रोबोट्स के क्वेश्चन के आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर वो अपनी कार में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। यू सी इट इज़ स्टॉप इट, आई थिंक यू आर रॉन्ग, दे कैन नॉट पॉसिबली बी सुपीरियर्स टू अस रोबोट। तो वो कहता है कि यू सी, देखा तुमने, इट इज़ स्टॉप इट, कि कितना स्टूपिड सा थिंग था कि ज़रूरत नहीं है बोल के चला गया। आई थिंक यू आर रॉन्ग, R62 बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम गलत थे। दे कैन नॉट पॉसिबली बी सुपीरियर टू अस रोबोट, क्योंकि वो जो रोबोट्स हैं वो ह्यूमंस जो हैं वो रोबोट से सुपीरियर नहीं हो सकते। आई हैव जस्ट प्रूव्ड इट बीइंग द केस, और मैंने ये चीज़ अभी अभी प्रूव कर दी है। इफ इट इवन कन्फेस्ड इटसेल्फ डज नॉट इवन नो वाई इट एग्जिस्ट, इसने अभी अभी इस चीज़ को माना है खुद से कि वो नहीं जानता कि वो इस दुनिया में क्यों है, क्या पर्पज़ है उसका। डेंजरस स्पीसीज विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, ख़तरनाक स्पीसीज होती हैं, विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, जो कि कंट्रोल नहीं किए जा सकते। आई थिंक प्लानट अर्थ वुड बी मच सेफर विदाउट डैम, मुझे लगता है कि प्लानट अर्थ जो है विदाउट ह्यूमंस के ज़्यादा सेफ रहेगी। विस्पर द क्यूरियस रोबोट R62 to T59, और R62 जो है वो T59 को ये बातें कहता है। यस बट फॉर फिर बट फॉर विच रीज़न वुड यू एग्जिस्ट विदाउट द ह्यूमंस, हाँ शायद, लेकिन फिर ह्यूमंस के बिना तुम इस धरती पर क्यों रहोगे, आस्क्ड T59। सरप्राइजिंग बाय द क्वेश्चन R62 आंसर टू रिपेयर कार्स, तो फिर R62 जो है क्वेश्चन से अलग सरप्राइज हो जाता है और फिर कहता है कि मेरा तो पर्पस है ना, मैं तो कार को रिपेयर्स करने के लिए जो है इस धरती पर रहूँगा। फॉर होम, कार किसके लिए रिपेयर करोगे, फॉर द ट्रांसपोर्ट रोबोट्स टू ड्राइव देम, आंसर R62 प्रॉम्प्टली, भाई कार तो मैं रिपेयर करूँगा ट्रांसपोर्ट रोबोट्स के लिए ताकि वो ड्राइव करें और अपना काम जो है वो प्रॉपरली करें, ये R62 ने कहा है। नाउ व्हाट हैपन्स, कि R62 जो है वो T59 से क्वेश्चन करेगा कि ह्यूमंस होने ही नहीं चाहिए, और T59 किस तरीके से अपने आर्गुमेंट्स के थ्रू R62 को ये यकीन दिला देगा कि ह्यूमंस हैं तभी रोबोट हैं, अदरवाइज रोबोट जो है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। दिस वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।